कुशीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिशनपुरा थाने की टीम ने कच्ची शराब बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। जिले में आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों के चलते अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बिशनपुरा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना भोजीपुरा के ग्राम गोविंद पट्टी के एक मकान में छापा मारा, जहां अवैध शराब बनाकर यूपी और बिहार में बेचने के लिए तैयार की जा रही थी। छापे में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और मौके पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरणों समेत रैपर बारकोड समेत प्लास्टिक की बोतलें बरामद हुई है। साथ ही अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? ये अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी के क्रम में कल बिशनपुरा पुलिस को एक बड़े पैमाने पे अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का जो है इन्होंने खुलासा किया है। इसके पास से बड़ी मात्रा में स्प्रिट रिकवर हुआ है, लगभग 400 लीटर, और इसके साथ ही साथ जो शराब जो लाइसेंसी दुकानों पर बिकती है उससे जुड़े हुए रैपर, उसके ढक्कन, शीशी आदि भी बरामद हुआ। इनसे पूछताछ में जब की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों के दृष्टिगत शराब की भारी मांग के चलते इनके द्वारा ये बड़े पैमाने पर ये सामग्री इकट्ठा की गई थी, और ये पहले भी इन गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। अभी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि इनके और कितने सहयोगी हैं, कच्चा माल कहाँ से लाते थे और किन किन जगहों पर ये इसको बेचते थे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।